हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, हमारी आज शुरुआत होती है दिन की बाइक रिपेयरिंग से। तो गाइस, मैं सोचा था आज संडे आराम से पेल के सोऊंगा, मगर फ़ोन आया था रोहित का, बोलता है कहाँ है भाई। तो मैं बोलता हूँ भाई रूम पे ही हूँ, सो रहा हूँ फिलहाल। तो रोहित के साथ मैं आ जाता हूँ जल्दी जल्दी में नहा धो के आराम से बाइक रिपेयर कराने। ये जो बाइक है मतलब इसका थोड़ा सा इसका वाइज़र जो है वो टूट चुका है। फिलहाल हम जो लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, बहुत ज़ोरों से ही भूख लगी है। तो जो बाइक भैया बाइक वाले भैया हैं उन्होंने बोला अभी हमारे पास में थोड़ी भीड़ है, फ्री टाइम में आना आराम से इत्मीनान से, फिर तुम्हारी बाइक सही से चेक कर दूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों को सुबह सुबह लगी है भूख बहुत ज़ोरों से ही, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। तो चलते हैं गाइस बिरयानी खाने के लिए। भाई ये इतना कमीना निकलेगा मुझे ये नहीं पता था, मुझे वेज बोल के चिकन बिरयानी की शॉप पर लेके आया है। इसको पता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर फिर भी खुद तो खाएगा ही। अब मैं चुपचाप से इसको देखूँगा बैठ के आराम से। ये लो भाई साहब की आ गई है चिकन बिरयानी, एंड हम खाली बैठे हैं फालतू में, देख रहे हैं इनको खाते हुए। ये आराम से खा रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं। बताओ क्या ही मतलब, इतना हरामी दोस्त किसी को ना मिले भगवान। अब इसको देख के मेरे पेट में जो है बहुत ज़ोरों से ही चूहे कूदने लगे हैं। तो कोई नहीं, इसका ख़त्म हो जाता है, फिर हम जाते हैं खाने के लिए। तो गाइस, ये एक चूतियापंती भाई साहब कर रहे हैं, मतलब किसी छोटे जग में निकाल नहीं सकते पानी, ये पूरा जग जाल में। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए गद्दार। तो गाइस, यहाँ हमने अपनी दोनों बाइकें जो हैं धुलने के लिए लगा दी है, एंड ये मेरी खड़ी उधर। अभी तो दो तीन बाइकें हैं, टाइम लगेगा फिलहाल। तो अब इन लोगों ने तो खा पी लिया कुछ, तो बाकी गाइस साहब हमारी बारी है खाने की। और तो बाकी गाइस, जब मेरा दोस्त पहले जा कम से कम 10-20 नान तो पे ही देगा। 10-20 नान नहीं देगा साले को इसको। तो गाइस, हम लोग उधर थे, उधर से इधर क्रॉस करके रोड आ गए हैं, एंड ये नान वाले पे आए हैं। भाई ये मतलब बजट में मस्त नान खिलाता है, और बढ़िया टेस्ट भी होता है और बजट में होता है। तो गाइस, ये हमारी नाना गई, एंड ये जो है ये दाल है और ये छोले की सब्ज़ी। तो गाइस, 30 रुपये में दो नान आते हैं और दो सब्ज़ी एंड प्याज और मिर्च आते हैं। बढ़िया है मस्त। फिलहाल दो तीन नान आराम से, तीन दो नान में तो पेट भर जाता है फिलहाल। ये देखो बिरयानी खा के आए थे अभी, अभी एक और ले लेना। गाइस मस्त चार नान खा के ये पेट फुला के, एंड अभी हम लोग आए हैं ये इन दोनों के स्कूल में। तो गाइस, ये रहा इन लोगों का स्कूल जिसमें ये रोहित पढ़ता था। किधर थी भाई तेरी क्लास? भाई मेरी जब सीतल से सेटिंग हुई थी ना, यहाँ पर हुई थी। यहीं पे हुई थी, रोड था ही नहीं। बैठ गया था। फिर से बताइए गाइस, लोगों को बताओ मेरे। गाइस तो ये मेरा स्कूल था, और यहाँ मेरी सेटिंग पढ़ती थी, वो मेरा क्लास था। उधर दिखाओ भाई, वो मेरा क्लास था और यहाँ मेरी सेटिंग पढ़ती थी अफसाना, जिसकी अब शादी हो गई, दो बच्चे भी है। वाह भाई, क्या लव स्टोरी है वाली। चार जगह तो गाइस, इनके स्कूल का मुआयना करके अब सीधा चलते हैं हम लोग अपनी बाइक उठाने की। हमारी बाइक जो इस टाइम क्योंकि टाइम हो चुका है, फिलहाल धुल गई होगी, एंड अब उठाते हैं बाइक, अब सीधा चलते हैं घर। थोड़ा सा भी काम वाम भी है भाई। हमारी गाड़ी जो है वो धुल चुकी है, मस्त मस्त भाई हो गई एकदम। अब इसकी गाड़ी जो है पॉलिश हो रही है थोड़ी सी। तो गाइस, हम लोग घर जा रहे थे, एंड शब्बू भैया मिल गए। शब्बू बोल रहे हैं कि भाई जिम चलना है, वहाँ डेंटिंग पेंटिंग करनी है, चल के पुताई वुताई करनी है। तो हम सारे लोग मिल के पुताई करेंगे। तो इनको देखो हॉर्न में लगे पड़े हैं भाई, इतना मत दबाओ, टूट जाएगा कहीं, तुम पे बिल फट जाएगा, फालतू में मत दबाओ। तो बाकी गाइस, ये पेशकश होती है हमारे सुखा भाई साहब की, एंड अमान भैया भी आ चुके हैं अपना ब्रश लेके। अमान जो आगे चला गया है मोटरसाइकिल से शब्बू की, और अभी तो हम लोग डिस्टेंपर ले रहे हैं, डिस्टेंपर लेके फिर जाते हैं जिम। तो बाकी मिलते हैं सीधा जिम में। तो गाइस, ये हमने अपनी इधर बाइक खड़ी कर दी है, क्योंकि उधर जगह है नहीं, तो हमने यहीं खड़ी कर दिया। भाई मस्त लग रही है, धुल गई है।
तो गाइस जैसे ही हम लोग जिम के अंदर घुसते हैं, देखते हैं चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, अंधेरा। तो बाकी शब्बू भैया जो है इन्वर्टर सही कर रहे हैं, एंड अब लाइट थोड़ी सी मतलब कभी जल जाती है कभी नहीं जलती है, तो शब्बू भैया भी सही कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो जिम है वो इस तरीके से दिख रही है। तो अभी हम लोग डेकोरेशन करने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट मॉर्निंग में जिम कैसी दिख रही है। तो बाकी गाइस ये जो दीवारें हैं यहाँ पे ऊपर ऊपर तो सही है फिलहाल, तो नीचे नीचे जो हैं ये ख़राब हो रखी हैं। तो गाइस इन्हीं सब दीवारों को हम लोग रिपेयर करने के लिए आए हैं। अभी तो फ़िलहाल एक दो लोगों का इंतज़ार करा जा रहा है, तो उसके बाद में ही काम स्टार्ट होगा। तो छोटू दास जो हैं वो आ चुके हैं, एंड गाइस हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये आराम से सो रहा है यहाँ पे, आराम फ़ोन चला रहा है। यहाँ हम लोग जो है काम करते करते पसीना आ गया, थक गए इतना, मगर इसको कोई फ़र्क नहीं। तो गाइस हम लोगों ने डिस्टेंपर में जो है वो उजाला की शीशी लेके आया था, वो मिला लिया, क्योंकि बिल्कुल वाइट नहीं है दीवार, थोड़ी हल्की सी ब्लू दीवार है। तो बाकी गाइस ये रही दीवार, इसी में हम लोगों को पेंट करना है, तभी हम लोगों ने उजाला मिलाया था कि थोड़ा सा हल्का ब्लू हो जाए। देख रहे हो गाइस इन लोगों की अलग ही मस्ती है। तो यहाँ पे अमान, मैंने तो नीचे नीचे थोड़ा सा कर दिया है, तो उसके बाद में अमान जो है वो कर रहा है, एंड इनकी देखो ये तो भैया एक्सरसाइज में लगे पड़े हैं, और वो लोग उधर डांस कर रहे हैं। तो फिलहाल गाइस हम लोगों ने 100% में से 50% का काम कर लिया, एंड अभी तो थोड़ी थोड़ी सबको भूख लगी है, एंड समोसे भी मंगाए गए, तो अभी तो सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर रोहित के द्वारा एक और मौत का खेल दिखाते हुए, अच्छा खासा लोअर पहन रखा था भाई साहब ने, लोअर उतार दिया इसलिए क्योंकि ये जो पेंट हो रहा है ये पेंट जो है इनके लोअर पर ना लग जाए। वाह, नहीं नहीं वाह। रोहित का तो डांस देख के मज़ा ही आ गया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल मुझे तो भैया बड़े ज़ोरों से ही मन कर रहा था डांस करने का, तो फिलहाल आप आगे देखिए थोड़ी सी मेरे डांस की झलक। तो गाइस पेंटिंग जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब जो बारी है यहाँ जो ये मैट वैट है, ये मैट वैट थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, तो मैट को निकाल के वहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारी जा रही है, और फिर ये जो मशीनें हैं इधर उधर जो हैं वो शिफ्ट करी जाएंगी, क्योंकि अभी सही जगह पे जो मशीनें हैं वो नहीं लगी है। तो गाइस ये जो मशीन दिख रही है आपको सामने, इसी से शिफ्ट कर रहे थे मशीन ये, मगर रोहित के पता नहीं कैसे चोट लग गई, ये मशीन उठा रहे थे ना, हैवी मशीन है। अब चोट लगने के बाद में भी इतना मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कुछ जीत लिया है। तो गाइस ये हमारे रोहित भाई साहब की निंजा टेक्निक डंबल को पहुंचाते हुए, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो ऐसे कर सकते हैं मगर सेफ्टी के साथ। हे गाइस, तो बाकी फाइनली अब घर पे आ चुके हैं, एंड सुबह तो नहा चुके थे मगर हालत ऐसी हो गई है कि क्या ही बताएं। देखो टी शर्ट ये तो फिलहाल बेकारी टी शर्ट थी, तभी पहन गए थे, तो फिलहाल अभी हमें फिर नहाना पड़ेगा क्योंकि अब सभी लोग नहाने गए। अभी हमको कपड़े लेने हैं क्योंकि हमारे कपड़े जो हैं वो यहाँ सूख रहे हैं, तो हमें पहनने के लिए फ़िलहाल जो पट थोड़े पे एक दो हैं वो गंदे पड़े हैं, तो फिलहाल अभी हमें क्योंकि जिम ज्वाइन कर रहे हैं ना वही वाली ये वाली अपनी, तो बाकी इसमें हम कल से जिम जाएंगे, तभी सारा सेटअप हो रहा था, तैयारी चल रही थी, तो उसके लिए मुझे टी शर्ट और लोवर एंड और दो तीन चीज़ें की ज़रूरत होगी, तो वो अभी हम नहा के फट से रेडी होता है और फिर निकलते हैं हम। 2000 years later.
हे गाइस, तो बाकी हम कपड़े वपड़े लेके आ चुके हैं एंड मतलब वीडियो बना नहीं पाए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ ही हो रखी थी। तो फिलहाल हमने कपड़े उठा के सीधा टेलर के पास डाल दिए थे फिटिंग कराने के लिए। तो इसकी ये मैं कल पहन के जाऊँगा। तो ये शर्ट और ये वाली पैंट जो है मैंने फिटिंग करा ली है एंड उसकी मुझे बहुत ज़ोरों से ही भूख लग रही थी। तो दो ब्रेड के पैकेट एंड एक अमूल दूध का पैकेट लेके अब मस्त से खाएंगे। और शूज़ भी दिखाता हूँ मैं आपको, फॉर्मल शूज़ भी लेके आऊँ। अब तो फॉर्मली अब तो जीन्स वीन्स बहुत पहन ली, अब कुछ तो नए चेंज ही करना है। तो गाइस ये रहे और ये इसके सॉक्स हैं, सॉक्स मैंने पहन के देखे थे तभी मैंने इसके अंदर रख दिए। सुबह दिखाते हैं पूरा लुक एंड गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं सुबह, क्योंकि अभी वीडियो एडिट भी करनी है, फिर मुझे जिम भी जाना है सुबह, क्योंकि तुम्हारे भैया ने जिम कर ली है ज्वाइन। तो ये पेट वेट जितना भी है ये सब कम हो जाएगा। तो बाकी गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।